वक्त ने दरोगा को जड़ा थप्पड़। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, पुलिस हिरासत में आरोपी आशीष शुक्ला। हसनगंज पुलिस ने की कार्रवाई, थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ था वायरल। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, युवक ने दरोगा को जड़ा थप्पड़, पुलिस हिरासत में आरोपी आशीष शुक्ला। हसनगंज पुलिस ने की कार्रवाई, थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ था वायरल। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से युवक ने दरोगा को जड़ा थप्पड़, पुलिस हिरासत में आरोपी आशीष शुक्ला। हसनगंज पुलिस ने की कार्रवाई, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ था वायरल, युवक ने दरोगा को जड़ा थप्पड़, पुलिस हिरासत में आरोपी आशीष शुक्ला। हसनगंज पुलिस ने की कार्रवाई, थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ था वायरल। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहा है आशीष शुक्ला, पुलिस हिरासत में आरोपी आशीष शुक्ला। हसनगंज पुलिस ने की कार्रवाई, थप्पड़ मारने का वीडियो हुआ था वायरल। युवक ने दरोगा को मारा थप्पड़, पुलिस हिरासत में आरोपी आशीष शुक्ला। हसनगंज पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मनबड़ाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में देखने को पहले भी मिली है और कल भी देखने को मिली, जहां पर ये राजधानी लखनऊ का ही पूरा मामला है। निराले नगर चौराहे के पास का थाना हसनगंज लगता है और वहां पर एक दरोगा की गाड़ी इन अराजक तत्व युवकों की गाड़ी से टकरा गई थी, जिसके बाद ये अराजक तत्व इस कदर बौखला गए, इस कदर गुस्से में आ गए कि उन्होंने पुलिस वाले को ही जो दरोगा था उसे ही थप्पड़ जड़ दिए। विनोद कुमार नाम है दरोगा का और विनोद कुमार को इन दबंगों ने मिल करके पहले मारा है थप्पड़, जो कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। और उसके बाद इस दरोगा ने तहरीर दी थी और तहरीर के अनुसार जो व्यक्ति है जिसने थप्पड़ मारा है, जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिखा जी, तो जिस तरह ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के ऊपर या फिर दरोगा के ऊपर हाथ उठाना जुर्म माना जाता है, तो इसके तहत क्या सजा होती है नितिन? दर्ज किया जाएगा क्योंकि पुलिस ऑन ड्यूटी पे दरोगा जी थे और उस दौरान आशीष शुक्ला नामक व्यक्ति ने उन पर हमला किया, उनको थप्पड़ मारे हैं, तो ऐसे में जिन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना होगा वो होगा। लेकिन अभी फिलहाल आशीष शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की जो प्रक्रिया है वो करी जा रही है। नितिन, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, इससे आम लोगों के बीच एक संदेश जाएगा कि जो दबंगाई दिखा रहे हैं और वो नहीं करना चाहिए, और साथ ही जो दबंगाई देखने को मिली, कह सकते हैं कि पुलिस का कहीं डर कम नजर आ रहा है, जिस वजह से पुलिस पे हाथ उठा देते हैं लोग, क्या कहेंगे इस पे? वीडियो से ये साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब मिलकर किसी शादी समारोह में ही जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पूरी कई सारे लोग इसमें इकट्ठा हैं आशीष शुक्ला के साथ, और ये जो दरोगा है ये पीलीभीत से आ रहे थे, तो साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं शादी में जब जा रहे थे तो कुछ नशे में भी होंगे और उस नशे में जो मनबड़ाई है वो भी दिखाई गई है यहाँ पर, क्योंकि जब नशे में व्यक्ति होता तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और उसी नशे के खुमार में आशीष शुक्ला ने दरोगा विनोद कुमार को थप्पड़ जड़ दिए हैं। हालांकि अब माफी मांगते हुए आशीष शुक्ला दिखाई दे रहा है, इस वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये जिस तरह से मामला लखनऊ के पौश इलाके निराला नगर के पास का है, वहीं से थोड़ी दूर पर पुलिस चौकी भी है, और ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की घटनाएं जो है वो आगे भी होती रहेंगी। जी नितिन, क्या बाकी लोगों पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि बाकी लोग भी पकड़ते हुए घसीटते हुए नजर आ रहे हैं दरोगा को, तो क्या सिर्फ बाकी लोगों पे भी होगी कार्रवाई, अब सिर्फ हाथ उठाने वाले व्यक्ति पे ही कार्रवाई की गई है? देखिए, विनोद कुमार की तरफ से जो तहरीर दी गई है उसमें आशीष शुक्ला का ही नाम दिया गया है कि आशीष शुक्ला ने उनके साथ मारपीट की या भद्रता की। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी, जांच में आशीष शुक्ला के साथ कौन कौन था उनसे भी पूछताछ होगी, उनको भी कहीं ना कहीं राउंड अप में लिया जाएगा, और उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोग और साथ में थे, क्योंकि कुछ लोग इसमें बीच बचाव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो धक्का मुक्की कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे।